कुख्यात बदमाश प्रदीप उर्फ गोल्डी सोनकर, जिसके विरुद्ध 14 अपराध पंजीबद्ध हैं, के द्वारा खरगोन अंतर्गत रामपुर मांडवा बस्ती में 25,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,25,00,000 रुपए है, पर कब्जा कर 900 वर्ग फीट में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। दो मकान जिसके निर्माण की अनुमानित कीमत 10,00,000 रुपए है, जमींदोज कराते हुए शासकीय भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं के द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बचाव करते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर किसी की एफआईआर करना गलत है। मुकदमा दर्ज करने से पहले राजा पटेरिया वायरल वीडियो की जाँच की जानी चाहिए, पर जाँच न करते हुए सीधे ही उन पर एफआईआर करना गलत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सभी जिले के एसपी को मामले के संबंध में पत्र लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा एफआईआर ना किए जाए, प्रत्येक मामले की जांच के बाद अगर कोई भी कार्यकर्ता या नेता दोषी पाया जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं कांग्रेस के बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव ने भी मामले को लेकर अपने बयान दिए हैं। आपका प्रश्न ये कहता है कि बात अभी स्पष्ट नहीं है, एक बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सीनियर लीडर है, सरकार में मंत्री रहे, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया, बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जाँच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जब लोगों द्वारा अनर्गल बातें की गई हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके द्वारा बयान दिए गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरह से उसको काम करना चाहिए कि जो दोषी है या नहीं है ये तो अदालत तय करेगी, पर पहले किसी भी मामले में मुकदमा बनाने से पहले उसकी जाँच पूरी होना चाहिए। अब ये विषय बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है कि विवादास्पद बयान के तुरंत बाद एफआईआर हो गई, तो क्या उसकी जांच हुई, किन जिम्मेदार अधिकारियों ने की? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं भी हैं, वो पहले भी इसी बात को लेकर एक पत्र लिख चुके हैं सारे जिलों के एसपी जो हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार के दबाव में आके आप राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमे दर्ज न करें, जाँच करें। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम अदालत को मानते हैं। अगर जो सही है, जांच में सही आए, उसके ऊपर आप काम करें तो उसमें हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे, पर इस प्रकार से सर पॉलिटिकल दबाव के कारण मुकदमा दर्ज कर लेना ये अच्छी बात नहीं। देखिए, पहली बात तो मैंने बयान न पढ़ा न देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपने क्षेत्र के कामों में व्यस्त था। अगर ऐसा कुछ होता है पहले देखूँगा, उसके बाद बाइट लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिर भी एक सीनियर व्यक्ति, पूर्व मंत्री रहा हो और अच्छे कद्दावर नेता हैं, उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह का आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया है। मैं तो समझता हूँ कि इतना सीनियर आदमी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर बयान दिया है तो पहले उसकी जांच करवा लें, उसके बाद एफआईआर करें, कोई दिक्कत नहीं। जाँच में सत्यता तो होना चाहिए, लेकिन इनकी तानाशाही चल रही, कुछ भी कर सकते साहब। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत जुआफर आबाद है, जिसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब पुलिस ने दबिश देकर 7 जुआरियों को दबोचकर करीब 7,000 रुपए जब्त किए। तो वहीं पनागर पुलिस ने 7 सिलेंडरों सहित नकदी 500 रुपए जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि गणेश चौक खाली प्लॉट शिक्षक कॉलोनी में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने वीरेंद्र जैन निवासी संगम कॉलोनी, उखरी पवन जैन निवासी उखरी तथा मनीष जैन निवासी शीतलपुरी एवं पवन कुमार जैन निवासी शीतलपुरी को गिरफ्तार कर 7,720 रुपए जब्त किए गए। ऊपर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शिक्षक कॉलोनी में वीरेंद्र जैन अपने घर के बरामदे में बाहर मांग पत्ती का हारचित का दाव लगाकर अवैध जुआ खिला रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल के साथ मैंने रेड किया, रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़े गए। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, पांच पत्ती और लगभग 8,000 रुपए का मजदूर जब्त हुआ है। आपराधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए आज बड़ा आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुप्रोध राय सहारा को 5,00,000 रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया गया है, जिसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए हाजिर हों। हाईकोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। देखिए भाई साहब, क्या हुआ है कि आज एक विष्णु प्रसाद साहू का केस लगा हुआ था। ये भी सहारा के पीड़ित निवेशकर्ता हैं, सागर के रहने वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं। इन्होंने सहारा में करीब 23,00,000 रुपये लगा रखे थे, जो कि मैच्योरिटी अमाउंट होने के बाद 25,00,000 रुपये हो गया था। मैच्योरिटी डेट इनकी करीब 2 साल पहले हो चुकी थी और पेमेंट नहीं हो रहा था। तो मुकदमा लगाया आज, और अभी तक हम लोग करीब 15 से 20 पिटीशन सहारा के खिलाफ लगा चुके हैं। तो माननीय न्यायालय ने इन सभी को ओवरऑल देखते हुए कि भाई इतने सारे पिटीशन आ रही हैं और कार्रवाई हो नहीं रही है, तो न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने इन सहारा सुब्रतो रॉय के खिलाफ 5,00,000 का बेलेबल वारंट इशू कर दिया है और लखनऊ एसपी को आदेश किया है कि इस वारंट को एक्सिक्यूट किया जाए।